गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लर्न करेंगे भारत की झीलें। क्या लर्न करने वाले हैं? भारत की झीलें। झीलों को इंग्लिश में बोलते हैं लेक। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट जो आपकी झील है वो क्या है? पुलिकट झील। पुलिकट झील। कौन सी झील है बच्चों? ये पुलिकट झील। सेकंड है कोलेरू झील। कोलेरू झील। थर्ड है डल झील। डल झील। और फोर्थ पर है बच्चों बुलर झील। बुलर झील। एंड फिफ्थ पर है चिल्का झील। चिल्का झील। अभी मैं आपको इनके बारे में भी बताऊंगी, पर उससे पहले आप जल्दी से इन्हें लर्न कर लीजिए। क्या है? पुलिकट झील, कोलेरू झील, डल झील, बुलर झील और चिल्का झील। फिर से बोलिए मेरे साथ। पुलिकट झील, कोलेरू झील, डल झील, बुलर झील और चिल्का झील। बोलिए। पुलिकट झील, कोलेरू झील, डल झील, बुलर झील और चिल्का झील। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इनके बारे में। तो जो पुलिकट झील है वो तमिलनाडु के तट पर है। पुलिकट झील कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। पुलिकट झील तमिलनाडु में है। ओके, और ये 60 किलोमीटर, कितने? 60 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर लंबी है? 60 किलोमीटर लंबी है और 5 से 15 किलोमीटर चौड़ी है। 5 से 15 किलोमीटर चौड़ी है। समझ में आ रहा है आपको? जो पुलिकट झील है वह तमिलनाडु में है और 60 किलोमीटर लंबी है और 5 से 15 किलोमीटर चौड़ी है। ओके, समझ में आ गया? तो जो पुलिकट झील है वो कहाँ पर है? वो है तमिलनाडु में। आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो झील है आपकी वो क्या है? कोलेरू झील। ये कहाँ पर है? ये है आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में। ओके, ये जो कोलेरू झील है वह आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में है। और कोलेरू झील, पता है कैसा पानी होता है? कोलेरू झील का पानी मीठा होता है। कोलेरू झील का पानी मीठा होता है और ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कोलेरू झील है। ओके, पुलिकट झील तमिलनाडु में है जो 60 किलोमीटर यानी 60 किलोमीटर लंबी है और 5 से 15 किलोमीटर चौड़ी है। और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में है और इसका जो पानी होता है वह मीठा है। आगे बढ़े? चलिए अब मैं आपको बताती हूँ डल झील के बारे में। डल झील। बच्चों, ये झील श्रीनगर के कश्मीर, जो श्रीनगर है वहाँ पर कश्मीर की एक ये प्रसिद्ध झील है। मतलब ये कश्मीर की फेमस झील है। ओके, यह झील तीन दिशाओं की पहाड़ियों से घिरी हुई है। जो झील है वो तीन दिशाओं की पहाड़ियों से घिरी हुई है। और आपको पता है यह जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। जो डल झील है वह जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ओके, तो पुलिकट झील तमिलनाडु में है जो 60 किलोमीटर लंबी है और 5 से 15 किलोमीटर चौड़ी है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में है जिसका पानी मीठा है। और डल झील श्रीनगर के कश्मीर की फेमस झील है और यह जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है।
ओके आगे बढ़े। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ बुलर झील के बारे में। बुलर झील, देखिए जो बुलर झील है वो जम्मू व कश्मीर राज्य के बांडीपुरा ज़िले में स्थित है। बुलर झील जम्मू व कश्मीर के बांडीपुरा ज़िले में स्थित है और यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। जो बुलर और जो कोलेरू झील है वो आंध्र प्रदेश के कृष्णा ज़िले में स्थित है जिसका पानी मीठा है। और जो डल झील है वो श्रीनगर कश्मीर की एक प्रसिद्ध झील है और यह जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। बुलर झील जम्मू व कश्मीर राज्य के बांडीपुरा ज़िले में स्थित एक झील है। यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ओके और अब बताती हूँ मैं आपको किसके बारे में, चिल्का झील के बारे में। तो जानिए चिल्का झील कहाँ पर है। चिल्का झील उड़ीसा प्रदेश के समुद्री, चिल्का झील उड़ीसा प्रदेश के समुद्री, यह झील उड़ीसा प्रदेश के समुद्री जल में बनी एक झील है। ये जो चिल्का झील है वो उड़ीसा प्रदेश के समुद्री जल में बनी हुई है। ओके और भारत की सबसे बड़ी है ये झील। तो चिल्का झील है वो भारत की सबसे बड़ी झील है, समझ में आया। और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है ये, यानी कि वर्ल्ड की दूसरी सेकंड सबसे बड़ी समुद्री झील है। इसको चिल्का झील के नाम से भी जाना जाता है। इसको इसको किसके नाम से जाना जाता है, इसको चिल्का, देखिए कैसे लिखा जाएगा, चिल्का, इसको चिल्का झील के नाम से भी जाना जाता है। ओके तो पुलिकट झील तमिलनाडु में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश के कृष्णा ज़िले में है, डल झील कश्मीर में है, बुलर झील जम्मू कश्मीर के बांडीपुरा ज़िले में है और चिल्का झील उड़ीसा प्रदेश में है। ओके आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे की झीलों के बारे में जानते हैं। तो देखिए 6 नंबर पर जो झील है वो क्या है, लोकटक झील, क्या है लोकटक झील। एंड 7 पे क्या है, सांभर झील, सांभर झील। 8 पर है पिछोला झील, पिछोला झील। एंड 9 पर क्या है, 9 नंबर पर जो झील है उसका नाम है वेम्बानंद झील, वेम्बानंद झील। एंड 10 पर है सुखना झील, क्या नाम है, सुखना झील। लोकटक झील, सांबर झील, पिछोला झील, वेम्बानंद झील, सुखना झील। ओके फिर से बोलिए, लोकटक झील, सांबर झील, पिछोला झील, वेम्बानंद झील और सुखना झील। तो अब जानते हैं इनके बारे में। तो देखिए जो लोकटक झील है वो भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित मांडीपुर राज्य की एक झील है, मांडीपुर राज्य की यह एक झील है। तो जो लोकटक झील है वो मांडीपुर राज्य की झील है। ओके सांबर झील, सांबर झील भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर नगर में, जयपुर नगर के समीप स्थित है, यानी कि जो सांबर झील है वो जयपुर नगर के समीप स्थित है। और आपको पता है सांबर झील में खारा पानी होता है, जो सांबर झील का पानी है वो खारा होता है, खारा का मतलब होता है नमक का पानी होता है। 8 पर क्या है, पिछोला झील, पिछोला झील उदयपुर के पश्चिम भाग में पिछोली गांव के निकट है।
पिछोला झील उदयपुर के पश्चिम भाग पश्चिम में पिछोली गांव के निकट है, जो उदयपुर के पश्चिम भाग में जो पिछोली गांव है ये वहां पर है, उसके पास है। ओके। और बैंबानद झील, बैंबानद झील एक आकर्षक झील है, पता है वहां पर हम आकर्षक पिकनिक स्थल भी है, पता है आपको वहां पर हम पिकनिक भी जा सकते हैं, पिकनिक भी कर सकते हैं। और सुखना झील, सुखना झील भारत के चंडीगढ़ में है। सुखना झील कहाँ है? चंडीगढ़ में है। तो लोकटक झील है आपकी मणिपुर में, सांबर झील है जयपुर में, पिछोला झील पिछोली गांव के पास है, और बैंबानद झील पिकनिक के लिए फेमस है, और सुखना झील भारत के चंडीगढ़ में है। समझ में आया आपको? एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ, लोकटक झील, सांबर झील, पिछोला झील, बैंबानद झील, सुखना झील। बोलिए मेरे साथ, लोकटक झील, सांबर झील, पिछोला झील, बैंबानद झील, सुखना झील। तो अब आपको अच्छे से झीलों के बारे में पता चला, अब आप इसे अच्छे से लर्न कर सकते हैं और आपको ये लर्न हो भी